हम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल सबसे पहले चढ़ा हुआ जल कहां आता है? जम के बोलो पार्वती जी के हस्त कमल, फिर वो जल आगे बढ़ता है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये पार्वती जी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर जल आता है, फिर जल आगे बढ़ता है। हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों होती है? हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, हम बेलपत्री लेते हैं, खाते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे मन की बात यह है, क्यों सिद्ध होती है? क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि हम पार्वती जी को जल नहीं दे रहे हैं, हम शिव जी को दे रहे हैं। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पार्वती जी के पास में गया, पार्वती जी ने हमारे मन की बात उसी समय पर महादेव से कही और हमारा कार्य सफल हो गया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, बस आपने कहा और उसने स्वीकार किया, आपने कहा और उन्होंने पाया, ये श्रेष्ठता है। तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष, इन तीनों का संहार महादेव जी ने कहा, मैं पशुपति नाथ बनूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तुम पशु बनो। 33 कोटि देवता पशु बन गए, वो उनके पति बन गए। अब पति का काम है भरण पोषण करना, शिवजी पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं शिवजी, शंकर भगवान पक्षियों के भी देवता हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने एक रूप लिया था श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? श्रम्भेश्वर। पक्षियों के भी देवता हैं, पशुओं के भी देवता हैं। बीच में जब राजस्थान में कथा चल रही थी सालासर जी में, उस समय पर एक बीमारी चल रही थी पशुओं में, लुम्पी की बीमारी, जिसमें गायों के शरीर में गांठ पड़ी। ईश्वर महादेव कब बने? जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उनका गुस्सा कम नहीं हुआ, गुस्सा कम नहीं हुआ, देवताओं ने शंकर जी से जाकर प्रार्थना करी, नारायण का क्रोध कम नहीं हो रहा, आप संभालिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पक्षी का रूप धारण करूंगा, नरसिंह भगवान को, भगवान विष्णु को अपने पंजे से उठाऊंगा और उठाकर उनको बद्री का आश्रम ले जाऊंगा। भगवान उड़ते उड़ते, शंकर भगवान श्रम्भेश्वर बनकर उड़ते उड़ते आए, श्रम्भेश्वर पक्षी का रूप धारण कर उन्होंने भगवान विष्णु को उठाया, नरसिंह भगवान को उठाया, उठाकर ले जाकर उनको अलखनंदा नदी में पटक दिया। अलखनंदा नदी में जैसे ले जाकर डाला, शंकर भगवान के डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया और उनकी वहीं समाधि लग गई। जो समाधि में लीन हुए, हजार वर्ष हो गए, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकली, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे प्रभु कहाँ हैं, तब मालूम पड़ा कि वो अलखनंदा नदी में तप कर रहे हैं। जब लक्ष्मी जी ने जाकर विनय करा, प्रभु आप वापिस बैकुंठ चलिए, भगवान नरसिंह ने कहा, मैं चल तो चलूं पर मेरा मन बिना बद्रिकाश्रम के रहेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा, आप एक शिला के रूप में यहां विराजमान हो जाओ। अगर आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ के पुल पे से आप मंदिर के लिए जब जाते हैं तो पुल पर खड़े होकर राइट में तापत कुंड, जहाँ पानी गर्म होता है, उसके ठीक नीचे की ओर दर्शन करेंगे तो वहां पर एक शिला है, जिस शिला का नाम नरसिंह शिला है। भगवान नारायण नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हो गए, नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजमान हुए और शिव जी श्रम्भेश्वर बनकर श्रम्भ पक्षी का रूप धारण कर उड़ पड़े, तो उनका नाम श्रम्भेश्वर महादेव हो गया। तो पक्षी के देवता भी शिव हैं, पशु के देवता भी शिव हैं, गंधर्वों के देवता भी शिव हैं, मनुष्य के देवता भी शिव हैं, असुरों के देवता भी शिव हैं और देवताओं के देवता भी शिव हैं। देव आदि देव महा देव है शिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में यह विशेष उपाय बताए जो इस प्रकार है। तुमरुका नाम कोई साधारण नाम नहीं है। पांच बेलपत्र, पांच पुष्प, पांच लोटा जल, पांच धुरवा शिव मंदिर में लेकर जाएं और
शिव जी पर चढ़ाकर एकांत में बैठकर या बगल में बैठकर शिव जी के ओम नमः शिवाय का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। यह उपाय करने से जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, जिन माताएं बहने का गर्भ नहीं ठहर रहा, यह उपाय करने से अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। और मैं शिव भगवान से प्रार्थना करूं कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।